नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। उत्तर प्रदेश कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे को यूपी पुलिस ने शुक्रवार को एनकाउंटर में मार गिराया। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में भी घमासान शुरू हो गया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि लोगों के नाम उजागर न हो, इसलिए विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। पीसी शर्मा ने कहा कि लोगों के नाम उजागर न हो, इसलिए एनकाउंटर करवाया गया है। उन्होंने कहा कि यूपी और एमपी के प्रभावशाली लोग शामिल है, इसलिए एनकाउंटर करवा दिया गया है। पीसी शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के नेताओं के विकास दुबे से संबंध थे। उन्होंने कहा कि ये मामला पूरा शुरू से संदिग्ध है। मध्य प्रदेश के उज्जैन तक विकास दुबे कैसे पहुंचा, इसकी भी जांच हो। साथ ही विकास दुबे के एनकाउंटर की सीबीआई जांच होनी चाहिए। विकास दुबे को पकड़ने के बाद उज्जैन कोर्ट में पेश क्यों नहीं किया, यूपी पुलिस को क्यों सौंप दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। के रस्ते में नहीं पकड़ पाई, कोई चेकिंग नहीं हुई और वहाँ एक गार्ड ने पकड़ लिया। जो शंका वहाँ भी है कि जो महाकाल मंदिर की जो पुलिस की चौकी थी, उसके थानेदार को उसी रात को हटा दिया गया। एसपी और डीएम की वहाँ मीटिंग होती है रात को 8 बजे, वो दर्शन करने नहीं आते। ये एक एक करके सब उलझा हुआ मामला है। और जो थे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, वो वहाँ के प्रभारी हैं, उज्जैन के, कानपुर के भी प्रभारी रहे। और जिस तरह से उसने पहले एक बार पुलिस थाने के अंदर हत्या की थी एक राज्य मंत्री लेवल के नेता की, और छूट गया था, ये इन सब चीज़ों में ये जो कुछ भी यहाँ पर हुआ, जिस तरह से उसको सरेंडर कराया गया, शहीदों के जो 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए, उनके परिवार भी कह रहे हैं कि सब साजिश है, वो कह रहे हैं। और लोगों के नाम उजागर नहीं हो, इसलिए उसका एनकाउंटर पुलिस ने, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कर दिया। जब कोई सरेंडर होता है तो उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। उज्जैन में कोर्ट में पेश नहीं किया गया, सीधे पुलिस उत्तर प्रदेश को दे दिया और वहाँ जाके उसके एनकाउंटर हो जाती है। और इस बात के शक कल दिग्विजय सिंह जी ने भी, और एक टीवी चैनल पर ब्रजेंद्र सिंह राठौर, पूर्व मंत्री कांग्रेस के, उनने भी शक किया था कि हो सकता है सुबह तक इसका एनकाउंटर हो जाए। तो वो जितने भी सवाल थे, किन किन के कनेक्शन उससे रहे, कैसे यहाँ आया, कैसे उत्तर प्रदेश भागा, ये अपने आप में सवाल खड़े के खड़े रह गए हैं। और मैं समझता हूँ कि सीबीआई जांच होना चाहिए, जिससे इनका उत्तर मिले और वो जो परिवार, शहीदों के परिवार है 8, उनको न्याय मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।